नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस नए वीडियो में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से नाश्ता बनाने की रेसिपी, जिसे आप जब भी चाहे झटपट से बना के तैयार कर सकते हैं और ये खाने में भी काफ़ी टेस्टी होगा। नाश्ता के लिए चाहिए होगा हमें कुछ मसाले, तो यहाँ पर ली हूँ एक हरी मिर्ची को बारीक कट करके, थोड़ा सा 2 से 3 चुटकी के जितना हल्दी पाउडर, साथ में डालेंगे यहाँ पर हल्का सा धनिया और जीरा का पाउडर, और इसके साथ ही डाल देंगे यहाँ पर लाल मिर्ची हल्का सा, क्योंकि हरी मिर्ची भी डला हुआ है। मसाले आप अपने पसंद से कम ज़्यादा कर सकते हैं, आपको जैसा भी मसालेदार पसंद है। थोड़ा हल्का सा डालेंगे इसमें काले मिर्च का पाउडर और इसको अच्छे से एक बार मिक्स कर देंगे। अब यहीं पर मसाले के साथ ही हमें डाल देना है नमक। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा, और नाश्ता यकीन मानिए इतना ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होगा ना कि आप इसको हर बार बनाना चाहेंगे। नाश्ता बनाने से और खाने से ज़्यादा ये देखने में भी सुंदर बनने वाला है नाश्ता हमारा। तो यहाँ पर देखिए ये जो हमारा मसाला ये तैयार हो चुका है। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों अब इसी मसाले के अंदर डाल लेंगे कुछ पत्ती करी का, करी लीव्स से ये क्या है बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है, और करी पत्ता खाना भी चाहिए। ये आपके हर समस्या से आपको बचा के रखता है। बालों का समस्या हो, यदि बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं आपके, तो भी आप अपने डाइट में करी पत्ता का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें 2 से 3 लहसुन को इस तरीके से कद्दूकस करके डालेंगे, जिससे कि मसाला जो है बहुत ही अच्छा चटपटा बने। आप लोग कहाँ कहाँ से हमारे वीडियो को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 3 लहसुन का कली डाली हूँ, बड़ा बड़ा सा था तो 3 से काफ़ी हो जाएगा। आप साथ में डालेंगे थोड़ा अदरक को इसी तरीके से ग्रेट करके। मसाला आपको अलग से बना के दिखा दे रही हूँ, जिससे कि आप अच्छे से समझ जाएँ नाश्ते के अंदर हमने क्या मसाले डाले हैं। और इसमें सूखा मसाला है, इसकी वजह से अदरक इसमें ही डाल दिए हैं, जिससे सूखा मसाला हमारा बहुत ही अच्छे से थोड़ा सा इसमें नमी आ जाए। यहाँ पर पैन या कढ़ाई आप कोई भी चीज़ चूल्हे पर चढ़ा सकते हैं। इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच के जितना तेल, और तेल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। आप जो भी तेल अपने किचन में, सब्जी वगैरह में, नाश्ते में यूज करते हैं आप कर सकते हैं। तेल गरम हो चुका है, इसमें डालेंगे जीरा 1 छोटा चम्मच से 1/2 चम्मच, और जीरा को अच्छे से चटकने देंगे। अभी देखिए जीरा पक चुका है, अभी कर देना है गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो, और इसमें डाल देंगे प्याज। यहाँ पर आप नाश्ता कितना बनाना चाहते हैं, ज़्यादा बनाना चाहते हैं, तो सारी चीज़ें आप इसमें ज़्यादा करके डाल लीजिएगा। और प्याज को हल्का गुलाबी होने तक भूनेंगे। प्याज का कलर हल्का चेंज हो गया है, बहुत ज़्यादा इसको भूनना नहीं है, बस ऐसे ही रखना है। अब जो मसाले आपको बना के दिखाई हूँ वो सारा मसाला इसमें डाल देंगे। ऐसे बनाने से सुविधा हो जाता है दोस्तों, आप लोगों को पता चल जाएगा कि इसमें क्या मसाला डाला गया है। अब एक एक करके डालने से हो सकता है कि कुछ आप मिस कर जाते, और इसमें जो हरी मिर्ची है जब आप इस तरीके से डालते हैं तो उसका छींटा जो है उड़ता नहीं है। अब इसको अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मसाला हमारा जो है भून चुका है, अब इसको बहुत ज़्यादा हम जलाएंगे नहीं। अब क्या करना है आपको बताती हूँ दोस्तों। अभी कर देंगे गैस को बंद, और पैन अच्छा गर्म है, और यहाँ पर लेना हमें उबला हुआ आलू, और आलू को इस तरीके से कद्दूकस करके इसी मसाले में डाल देंगे, और गैस को अभी बंद ही रखना है। तो यहाँ पर आप नाश्ता ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप उस हिसाब से आलू कम या ज़्यादा ले सकते हैं। यहाँ पर मैं 2 बड़े साइज के आलू का इस्तेमाल की हूँ, और आलू पहले से उबला हुआ है, आलू अच्छा ठंडा हुआ है। ठंडा आलू रहता है तो नाश्ता हमारा बहुत अच्छा बनता है, बिल्कुल भी ये चिपचिपा नहीं बनता है। अभी आलू को मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे, और आलू को जैसे कि गैस जला के हमें नहीं भूनना है, जो ये बर्तन गर्म है उसमें ही ये थोड़ा सा भुन जाएगा। नमक इसमें डला हुआ है पहले से, तो अभी हमें इसमें नमक भी नहीं डालना है।
तो देखिए ये आलू बहुत अच्छे से भून चुका है। अब ये नाश्ता बनाने के लिए आलू का मसाला जो है रेडी हो गया है, तो चलिए अब नाश्ता बनाने की तरफ। तो आलू का मसाला जो है हमारा बहुत अच्छे से ठंडा हो गया है। अब नाश्ता बनाने के लिए हमें चाहिए होगा कुछ स्लाइस ब्रेड के। ब्रेड से नाश्ता बनाएंगे तो आपको आटा भी गूंथने का झंझट नहीं रहेगा और झटपट से नाश्ता बनके आपका तैयार हो जाएगा। तो आप यहाँ पर जब भी ब्रेड लें तो एक नाश्ते के लिए हमें डबल यानी कि दो ब्रेड का इस्तेमाल करना है, तो आप उस हिसाब से ब्रेड लीजिएगा। आपको दो नाश्ता बनाना है या चार। अब यहाँ पर लेंगे एक कटोरी इस टाइप का और ब्रेड को कट करेंगे। दोस्तों यहाँ पर देखिए ब्रेड को हमें बेल के बड़ा नहीं करना है और इसी तरीके से सिर्फ इसका जो किनारे है निकला हुआ उसको हटा के और ब्रेड का जो है गोल शेप हम लोग कर लेंगे, जिससे नाश्ता हमारा देखने में अच्छा बने। और आज का जो नाश्ता है इसका वीडियो पूरा ही देखिए, बहुत ही ज़्यादा यूनिक नाश्ता मैं आपको बना के दिखाऊँगी। ये सिर्फ ब्रेड और आलू से बने होंगे लेकिन खाने वाले पकड़ नहीं पाएंगे कि इसे आपने किस तरीके से बनाया है। बिल्कुल यूनिक तरीका है। तो यहाँ पर मैं चार ब्रेड ली हूँ और चारों ही ब्रेड को इस तरीके से इसका कोना वाला भाग को सिर्फ कट करके हटाएंगे। देखिए ये बस इतना सा कटिंग जा रहा है, बाकी का सारा ब्रेड इसी तरीके से गोल मटोल तैयार हो जाएगा। देखिए अब ये कोने वाले भाग को हटा कर रख लेंगे। इसका ब्रेड क्रम्स आप बना सकते हैं या कोई भी नाश्ता आप बना रहे हैं उसमें इसको डाल के इस्तेमाल में ले सकते हैं। नाश्ता हमारा और भी ज़्यादा स्वादिष्ट बने उसके लिए यहाँ पर ली हूँ जो दूध के ऊपर मलाई पड़ जाता है वो वाला मलाई को, और अच्छे से थोड़ा इसको मिक्स कर लीजिएगा। दूध नहीं लेना है, इसका मलाई ही आपको लेना है। इससे नाश्ता हमारा और भी ज़्यादा स्वादिष्ट और हेल्दी बन जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए थोड़ा थोड़ा सा मलाई लेके हमें इस ब्रेड के ऊपर इस तरीके से लगाना है। बहुत ज़्यादा नहीं लगाइएगा, नहीं तो ब्रेड आपके जो हैं सॉफ्ट पड़ जाएंगे। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा करके ब्रेड में हम लगाएंगे इस दूध को यानी मलाई को। ब्रेड के अंदर अच्छा मिठास आ जाएगा, जब आप नाश्ता खाएंगे तो आपको अलग सा स्वाद लगेगा। इसी तरीके से सारे ब्रेड में हमें लगा लेना है। तो चलिए मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ, उसके बाद नाश्ते का शेप देंगे, फिर बनाने का तरीका, फिर नाश्ता को हम लोग लास्ट में क्या करेंगे वो ज़रूर देखिएगा। इसी तरीके से लगाना है सारे ब्रेड पे। अभी देखिए लगाने के बाद क्या करेंगे, ये जो आलू वाला मसाला है इस पे लगाएंगे। मसाला देख आप थोड़ा सा भी डाल सकते हैं और पूरा जैसे समोसा में भरा हुआ होता है उस टाइप से भी आप डाल सकते हैं। आपको आलू वाला मसाला ज़्यादा पसंद है डालना तो आप ज़्यादा भी मसाला इसमें डाल सकते हैं। थोड़ा थोड़ा सा मसाला डाल रही हूँ और जिससे कि एक पतला सा लेयर नाश्ते के अंदर आ जाए। और ये बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट मसाला बना हुआ है, तो इतना डालेंगे तो बहुत अच्छा ये नाश्ता आपका बन जाएगा। तो देखिए एक एक ब्रेड में हमें डालना है, यानी कि इतना में दो नाश्ता तैयार करूंगी और बाद में ये नाश्ता ज़्यादा हो जाएगा। देखिए दोस्तों, और जो एक ब्रेड है इसको खाली ही इसके ऊपर से चिपका देंगे अच्छे से। इसमें हमें नहीं लगाना है आलू का मसाला और अच्छे से इसको चिपकाएंगे। इसी तरीके से सारे नाश्ता को बना लेना है, आप ज़्यादा कम जितना भी बना रहे हैं। तो यहाँ पर तीन नाश्ता बना के तैयार की हूँ। अब चलिए इसको बनाने का तरीका देख लेते हैं। यहाँ पर वापस से वही पैन को चढ़ा ली हूँ और इसमें थोड़ा सा तेल हम डालेंगे फिर से और इसको अच्छे से गर्म होने देंगे। ये ब्रेड का बना हुआ नाश्ता है, थोड़ा अलग टाइप का आपको जरूर लगेगा और बहुत पसंद आएगा। यकीन मानिए, वीडियो को पूरा ख़त्म होने दीजिए तभी आपको समझ में आएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर तेल जो है गर्म हो चुका है, अब इसमें नाश्ते को डाल देंगे। इसके ऊपर हमें कुछ भी नहीं लगाना है, जैसे कि कोई भी घोल। एक बार में ही तीनों नाश्ता आ जाएगा आराम से, देख पा रहे हैं। अब नाश्ता को दूसरे तरफ से पलट देंगे। ब्रेड का नाश्ता है तो ये बहुत जल्दी सिक जाता है एक तरफ से।
अच्छा कुरकुरा होने देंगे इधर से भी। जैसे थोड़ा सिकेगा तो ये अच्छा ऊपर वाला जो लेयर है इसका अच्छा खस्ता जैसा हो जाता है। अभी नाश्ता दोनों तरफ से बहुत अच्छे से सिक गया है तो इसको निकाल लेंगे दूसरे बर्तन में। अब नाश्ते को क्या करेंगे दोस्तों, चलिए वो भी देख लेते हैं। पहले सारे नाश्ते को अच्छे से बना के और निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखें नाश्ता बन गया है। अब नाश्ता को हम लोग शेप देंगे। आप चाहें तो ऐसे भी खा सकते हैं लेकिन इसको थोड़ा सुंदर दिखाना है हमें और अलग तरीके का बनाना है। इसके लिए नाश्ते को क्या करेंगे कि पहले इस तरीके से दो भागों में कट कर देंगे। देखिए काफ़ी कुरकुरा हो गया है दोस्तों और एकदम सिंपल नाश्ता है लेकिन जब आप खाएंगे ना तो गजब का टेस्टी लगता है। इसको दो भागों में अच्छे से कट करेंगे। देखिए चलिए इसी तरीके से पहले सारे नाश्ता को कट कर लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। तो यह नाश्ता जो है दोस्तों पिज्जा कटर से बहुत अच्छा कट जा रहा है और चाकू से काटने में ये थोड़ा सा फंसता है। देखिए पिज्जा कटर से एक बार में ही ये दो टुकड़ा में हो जा रहा है। अभी क्या करेंगे, एक टुकड़ा नाश्ता को लेंगे। आपको एक बना के दिखा देती हूँ, आप समझ लीजिएगा। अब इसमें आप चाहें तो कोई भी अपने मनपसंद का सॉस लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर टोमेटो सॉस लगा रही हूँ। देखिए थोड़ा अच्छे से लगाएंगे, इससे क्या होगा खाने में भी बन जाएगा सॉस के साथ। और यहाँ पर लेना हमें सेव भुजिया, तो आप कोई सा भी नमकीन आपके घर में पड़ा हुआ है तो आप ले सकते हैं और इसमें अच्छे से इसको लगा लेंगे। देखिए इस तरीके से अच्छे से इस पर भुजिया जो है चिपका देंगे जिससे कि हमारा नाश्ता देखने में बहुत ही अच्छा लगे। और इसी तरीके से आपको चारों तरफ घुमा के सॉस लगा के और नाश्ते को सजाना है। देखिए दोस्तों कितना ही सुंदर ये देखने में लग रहा है। तो चलिए सारे में बना लेती हूँ पहले। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर नाश्ता हमारा बन के तैयार है और 6 ब्रेड का स्लाइस में यहाँ पर 6 नाश्ता बनके तैयार है। जब आप बनाएंगे तो 3 बनेगा और इसको हाफ हाफ करेंगे तो ये 1 में 2 निकल जाता है। नाश्ता बहुत ही ज़्यादा गजब का टेस्टी है। आपको इसके साथ अलग से आप कुछ भी नहीं लेना है, इसमें सारे चीज़ सारे फ्लेवर सारे स्वाद आपको मिल जाएंगे। उम्मीद करूँगी आज की रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा और आप लोग इसको ट्राई ज़रूर करेंगे। मिलती हूँ अगले वीडियो में फिर से कोई नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।